वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। देखिए, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई, मेरी मदर टंग हिंदी है, तो जो मैंने वीडियो में बात की है वो आपको एक स्क्रिप्ट पढ़ने की तरह लग सकता है, लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो कि मेरे साथ रियल में हुआ है वही मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप भी रजिस्टर करना चाहते हैं ज्ञान बोर्ड के साथ, पहले ये वीडियो को पूरा देख लें। बिना पूरा देखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो में कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं वीडियो डाला हुआ है, मैं फिर आप लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो डाला हुआ है कि आप लोग देख ले और फिर बाद में डिसीजन दे सके कि आपको यंग बोर्ड के साथ रजिस्टर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा, तो पहले वीडियो को देख ले और बाद में रजिस्टर करने का सोचे। मेरा इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो। तो फिर चलिए वीडियो पे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मेरे साथ गैंग वॉर वालों ने कैसे फ्रॉड किया है मैं आज को पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिए। आप गैंग वॉर के साथ कोई कोर्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके साथ कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो पहले इस वीडियो को देख फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि उनको आपको उनके साथ कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। तो मुझे एक कोर्स करना था ओपन स्टैक क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन सर्च किया 1-to-1 क्लासेस करने के लिए। तो फिर मुझे वहाँ पे एक साइट दिखा gangboard.com, जो कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते थे। तो मैंने उनके साथ उनके वेबसाइट पे गया और उनके साथ चैट किया। बाद उनका एक कोर्स कोऑर्डिनेटर है जिनका नाम था जानसी, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, जिनका नाम था जानसी, उन्होंने मेरे को कॉल किया और कॉल करने के बाद मेरी उनसे बात हुई और बात होने के बाद मैंने उनसे कोर्स फी के बारे में और कोर्स के बारे में पूछा। तो उन्होंने मेरे को कोर्स फी 35,000 बताई। 35,000 के साथ GST मिला के कुछ 43,000 बताई। तो आप इतना कोर्स फी क्यों चार्ज करते हो? तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग 1-to-1 क्लासेस देते हैं और आप क्वालिटी ऑफ क्लास प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट की आपको प्रैक्टिस के लिए रेड हैट सर्वर दिया जाएगा, एक साल के लिए आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारा LMS एक्सेस मिलेगा एक साल के लिए और 24 आवर सपोर्ट मिलेगा आपको। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं और क्वालिटी ऑफ क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इतना भी बताया कि अगर हम आपको जॉब के लिए, अगर आपको इंटरव्यू देते हो उसके लिए भी हम आपको हेल्प करते हैं, और आप अगर आपका जॉब हो भी गया और उसके बाद अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो वो भी हम आपको ऑनलाइन सॉल्व कराते हैं। आप कॉल करके पूछ सकते हो और हम उसको आपको सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो मुझे ये बात अब उनकी अच्छी लगी, फिर भी कोर्स भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उनसे बोला कि मैं आपको, तो फिर 2 दिन बाद उन्होंने कॉल किया और मेरे से रिप्लाई मांगा। तो मैंने उनको बताया कि अभी भी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि कोर्स भी बहुत ज़्यादा है तो मैं सोच रहा हूँ कोर्स से 2-4 दिन 1 हफ्ता बाद। वो कॉल करते रहे। फिर कुछ दिनों बाद मैंने उनको बताया, देखिए मैडम, ये जो आपको इतना कोर्स भी बता रही है, इतना मैं पेमेंट नहीं कर सकता, इतना भी तो बहुत ज़्यादा है और कम होगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैंने अपने मन के अंदर सोचा था कि अगर 30,000 के अंदर हो जाता है तो शायद मैं कोर्स कर लूँ। तो उन्होंने बताया, पर मैंने उनको 30,000 के बारे में बताया नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ठीक है सर, मैं अपने मैनेजमेंट से बात करके आपको बताता हूँ। तो उन्होंने 2 दिन बाद फिर से फ़ोन किया और मेरे को बताया कि हमारे यहाँ पर अब एक डिस्काउंट चल रहा है, तो 25,000 पे मैं आपका कोर्स करवा दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी मुझे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं इतना पेमेंट नहीं कर सकता। तो उन्होंने बताया कि आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि मैं 22 या 23 तक पेमेंट कर सकता हूँ।
तो उन्होंने कुछ बात की, वही ऑनलाइन में कुछ बात की, और मेरे को बताया कि आप 23,000 पेमेंट कर दीजिए और मैं आपका कोर्स करवा दूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे क्लासेस चाहिए डेली, मंडे से फ्राइडे वीकडेज में डेली 1 से 1.5 घंटा। तो उन्होंने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अरेंज करवा देंगे ट्रेनर, आप रजिस्टर कीजिए पहले। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैडम, मैं रजिस्टर करवा दूंगा और आप मेरे को 2 दिन टाइम दीजिए, मैं 2 दिन के बाद रजिस्टर करके आपका पेमेंट करवा दूंगा। तो फिर 2 दिन बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया और बताया कि सर आप रजिस्टर कर दीजिए। तो मैंने फाइनली 7 फरवरी 2020 को मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया और 23,010 रुपये का पेमेंट किया मैंने। मैं यहाँ पे जो रिसिप्ट है यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए, यंग बोर्ड का रिसिप्ट है ये, आप देख सकते हैं रिसिप्ट स्क्रीन पर। पेमेंट होने के बाद उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया और एक ट्रेनर और मुझे और उनका एक मैनेजर था, उनका नाम है मंगेश, और उनका और एक मैनेजर था, उनका नाम बाला है, जो जिनको उन्होंने ग्रुप में ऐड किया था, जिसके साथ मेरी कभी कम्युनिकेशन नहीं हुई थी पर वो ग्रुप में थे। उसके दूसरे दिन ग्रुप से नंबर लेके मैंने उनके ट्रेनर को कॉल किया कि सर मैंने गैंग बोर्ड पे रजिस्टर किया है और आप और हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं गया जो तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं आज से नहीं, सैटरडे को स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा क्यों सर, मैंने मंडे टू फ्राइडे के लिए वीकडेज के लिए मैंने क्लासेस बुक किए हैं, और जो कि मेरे क्लासेस था मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे। तो उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं मैं वीकडेज में क्लासेस नहीं देता, मैं आपको सैटरडे संडे क्लासेस दूंगा। तो मैंने कहा सर नहीं, मेरी तो बात हुई थी कि मैं मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लूँगा। तो इतना बोलने के बाद उन्होंने बताया कि नहीं मैं मंडे टू फ्राइडे को क्लासेस नहीं दे सकता, आप उनको कॉल कर लीजिए। तो इतने में मैंने जो मेरी कोर्स कोऑर्डिनेटर थी जानसी, मैंने उसको कॉल लगाया और बताया कि आपके जो ट्रेनर है वो मेरे को डेली क्लासेस लेने के लिए मना कर रहे हैं। और उसने बताया कि सर आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अपना मैनेजर को कॉल करती हूँ, वो आपको कॉल करके बताएंगे। उसके थोड़ी देर बाद उनका मैनेजर का मंगेश का कॉल आया मेरे को, और उन्होंने बताया कि सर हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपको दूसरा ट्रेनर दे देंगे और जो कि आपका क्लासेस मंडे से स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेगा। तो इतना सुनने के बाद मेरे को कुछ उनका बात सही नहीं लगा और मैंने बताया कि मुझे आपके कोई भरोसा नहीं है, मैं इतना दिन से बात कर रहा हूँ। क्लासेस जो है मेरे को वीकडेज में चाहिए, मेरे को वीकडेज में क्लास करना है, फिर भी आपका ट्रेनर बता रहा है कि मैं वीकडेज में क्लास नहीं ले सकता, मैं सैटरडे संडे को क्लास लूँगा, इसका क्या मतलब हुआ? अभी भी आप बोल रहे हो कि मैं हम आपके लिए दूसरा ट्रेनर अरेंज कर देंगे जो कि आपको अच्छे से क्लास कराएगा और वीकडेज भी कराएगा। अब एक अच्छा ट्रेनर अरेंज करूँगा इसका क्या भरोसा है, जब मेरी इतनी दिन से बात चल रही है कि मेरे को वीकडेज में क्लास करना है और इतना सारा बात होने के बाद, मैंने पेमेंट करने के बाद आपका ट्रेनर मेरे को बोल रहा है कि ये मैं आपको वीकडेज में क्लास नहीं कर सकता, तो क्या भरोसा है कि आप मेरे को एक अच्छा ट्रेनर दोगे? आप एक काम कीजिए, आप मेरा रिफंड करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं सोचता हूँ और मैं अपने मैनेजमेंट से बात करके आपसे कल बात करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन मैंने कॉल किया और उससे रिफंड के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि सर नहीं, रिफंड नहीं हो सकता, या हमारे रिफंड पॉलिसी के अंदर नहीं है, तो आपको क्लासेस ही करने पड़ेंगे, कोर्सेस ही करने पड़ेंगे। तो मैंने उनसे मना करता रहा कि सर मुझे आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि आप मेरे को अच्छा क्लासेस करवाओगे, तो आप मेरे को रिफंड ही कर दो। तो काफ़ी 3 4 दिन 5 दिन बहस चलती रही हमारी। उन्होंने वो मेरे को बोलते रहे कि ठीक है मैं सोचता हूँ, मैनेजर से बात करता हूँ, ऊपर वाले में उनके मैनेजर से बात करता हूँ, ऐसे बात करते रहे। फिर फाइनली 1 हफ्ता बाद रिफंड लेने के लिए, अगर आपको रिफंड चाहिए एक सीनियर है उनसे बात कीजिए, अगर वो मान जाएंगे तो हम आपको रिफंड दे देंगे। तो मैंने उससे नंबर लेकर उनके सीनियर को फ़ोन किया और उनको पूरा स्टोरी बताया। उसको बताने के बाद उसके सीनियर ने बोला कि आपको कोर्स ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है।
एक तो आप कोर्स ले सकते हैं या फिर हम लोग लीगली बात कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ तक मेरे समझ गया था कि मेरे 23,000 रुपये किए गए, 23,000 रुपये पूरा लॉस गया। तो फिर एक दिन वेट किया मैंने, फिर दोबारा से मैंने मंगेश को कॉल किया कि मंगेश मेरे लिए एक दूसरा ट्रेनर अरेंज कर दो, मैं आपसे कोर्स कंटिन्यू करना चाहूँगा। फिर मंगेश ने बताया ठीक है सर, हम आपके लिए एक दूसरा ट्रेनर अरेंज करते हैं और आपको कल से क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने मेरे को एक दूसरे ट्रेनर का नंबर दिया जो कि चेन्नई से था। फिर मैंने उस ट्रेनर को कॉल किया, दूसरे दिन उस ट्रेनर को कॉल किया, बताया कि सर मंगेश ने आपका नंबर दिया है और मैंने गैंग बोर्ड में रजिस्टर किया है और ओपन स्टैक के कोर्स के लिए हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसने बताया कि नहीं मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं कोई क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तुम मंगेश से बात करो। तो फिर दोबारा मैंने मंगेश को कॉल किया और मंगेश को बताया कि आपका ट्रेनर मना कर रहा है क्लासेस लेने के लिए। तो मंगेश ने कहा ठीक है सर, मैं उसको कॉल करके पूछता हूँ और आपको अपडेट देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मंगेश को कॉल किया पर पूछा कि मंगेश क्या हुआ, तो उसने बताया कि सर वो क्लासेस करने के लिए 20,000 रुपये मांग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम उसको कितना पैसा दे रहे हो तुम उसको समझो, ये मेरे को क्यों बता रहे हो। तो उसने रिप्लाई में बोला कि नहीं सर, हम उसको 20,000 रुपये नहीं दे सकते, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए एक और एक ट्रेनर अरेंज कर देता हूँ। ट्रेनर अरेंज किया और उसको बताया कि डेली क्लासेस लेने के लिए। और इस बार जो उन लोगों ने ट्रेनर अरेंज किया वो पहला वाला ट्रेनर था सुनील, जिसका नाम था, जो सैटरडे संडे क्लासेस देना चाहता था, और वो अभी वो राजी था डेली क्लासेस लेने के लिए। तब मैंने उससे पूछा कि हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, उसने बताया तुम क्या पढ़ना चाहते हो, मैंने कहा ओपन स्टैक पढ़ना चाहता हूँ, उसने बताया ओपन स्टैक क्यों पढ़ना चाहता हो, तुम डेवऑप्स पढ़ो। नहीं मैंने उस डेवऑप्स पढ़ो, मैंने कहा क्यों आप ओपन स्टैक में काम नहीं करते क्या। तो उसने बताया नहीं मैं ओपन स्टैक में अभी काम नहीं करता, पहले करता था, अभी डेवऑप्स में काम कर रहा हूँ। उसने मेरे को कन्विंस करनी स्टार्ट कर दी कि आप डेवऑप्स कर लो, इंस्टेड ऑफ ओपन स्टैक आप डेवऑप्स कर लो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मैंने उनसे कहा अगर मैं ये कोर्स आपसे कंप्लीट कर लेता हूँ तो क्या मेरे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो उसने कहा कि हाँ मैं 15-20 दिन में आपको थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगा और उसके बाद कुछ वेबसाइट्स दूंगा, अगर आप उस वेबसाइट्स पे जाके पढ़ लोगे तो शायद आपको जॉब मिल सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे वेबसाइट पे जाके क्यों पढ़ना पड़ेगा, अब मैंने तो कोर्स के लिए रजिस्टर किया, अगर आप वो डेवऑप्स मेरे को पढ़ाओगे तो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा मेरे को पढ़ाओगे। तो उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है तो आप मेरे को ओपन स्टैक ही पढ़ा दो, क्योंकि मैंने ओपन स्टैक की कोर्स के लिए रजिस्टर किया है तो इसीलिए। तो उसने गुस्से में बोला कि चलो हाँ ठीक है ओपन स्टैक ही पढ़ते हैं, तो क्या आपको पता है कि ओपन स्टैक में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैंने कहा हाँ मैंने कंटेंट देखा है गैंग बोर्ड की वेबसाइट में, उसी हिसाब से मेरे को पढ़ना है। तो उसने बोला कि नहीं वो हिसाब से हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सेंड करता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। तो उसने मेरे को एक व्हाट्सएप में एक टेक्स्ट सेंड किया कि देखो हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उनके वेबसाइट में कुछ और ही दिखा था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि उसने क्या मेरे को भेजा था और उनके वेबसाइट में क्या लिखा था, तो आप इसको कंपेयर कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसको गैंग बोर्ड पे जो PDF था उसको सेंड किया है, वो मेरे को क्या सेंड किया है आप क्लियरली देख सकते हैं। दूसरा आप नीचे देख सकते हैं और ये दूसरा इमेज है, ये भी उसने मेरे को सेंड किया था। और इसको सेंड करने के बाद इसने बोला कि हम लोग यही कवर करेंगे ओपन स्टैक में। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे पूछा है कि सब दूसरे सर्विसेज का क्या, दूसरे सर्विसेज के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्या। तो उसने बताया कि नहीं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उन्होंने मेरे को यही बताया कि आपको यही सिर्फ पढ़ाना है। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ये जो कोर्स तुमने रजिस्ट्रेशन किया है ये तुमने बेसिक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और जो तुम पढ़ना चाहते हो वो सब CLI 201 ऐसा कुछ में आता है। तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने तो CLI 201 301 ये सब मेरे को नहीं पता, मैंने तो उनके वेबसाइट पे जो कंटेंट था उसी को देख के रजिस्टर किया था और उनसे बात भी की थी। तो उन्होंने बताया था कि वो स्क्रैच से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे
अभी आप बोल रहे हो कि ये बेसिक कोर्स के लिए आपने रजिस्टर किया है, आप बताओ कि बेसिक कोर्स के लिए कोई 43,000 रुपीज़ देता है क्या? तो उसने बताया ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको अपडेट करता हूँ। या आप देख सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज में उसने साफ साफ मेरे को सेंड किया है, जो भी मैंने बोला सब मैसेज में लिखा हुआ है। तो उसके अगले दिन वो मेरे को कॉल करता है और बताता है कि सर हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, जो भी मैंने आपको सेंड किया है वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो आप उनसे बात कीजिए। तो उसके बाद मैंने फिर से मंगेश को कॉल किया और उनको पूछा और ग्रुप में भी ये मैसेज सेंड किया कि देखिए आपका ट्रेनर मेरे को ये पढ़ाना चाहता है जबकि आपकी वेबसाइट पे कुछ और ही लिखा है। तो उसने मंगेश ने मेरे को बोला कि ठीक है हम आपको अपडेट करते हैं कि क्या हो सकता है। तो मंगेश ने फिर से मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं सर आपके लिए एक नया ट्रेनर अरेंज करता हूँ, ये वाला ट्रेनर आपको नहीं पढ़ाएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि उनके वेबसाइट पर क्या लिखा है, जो कोर्स कंटेंट के बारे में क्या डिटेल्स था, ये आप लोग देख सकते हैं कितना डिटेल में उन लोगों ने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि हम लोग ये पढ़ाएंगे, इतने सारे सर्विस है और ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन जब उनका ट्रेनर की बारी आती है तो ट्रेनर बताता है कि मैं आपको बेसिक बेसिक से पढ़ाऊँगा और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि आपने बेसिक से कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसा क्यों बोल रहे थे। और अगले दिन मेरे को मंगेश का कॉल आया और उसने बोला कि सर हम आपके लिए और ट्रेनर अरेंज कर दिए हैं जो कि आपका क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट करेगा। ऐसा बोल के उसने एक नया ट्रेनर का नंबर ग्रुप में ऐड किया जिसका नाम समीर था। अब ये जो समीर था ये इस सबसे हरामी इंसान था इन सब में से, कैसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, पहले आप स्टोरी सुनिए क्या हुआ फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बात बता दूँ, इतना हरामी इंसान है कि इसको बस पैसे से मतलब है, अगर आपको इसको पैसे दे दो इस ये अपने बहन और माँ तक भी बाजार में खड़ा कर देगा, ऐसा हरामी इंसान है ये। मैं इस हरामी इंसान का फ़ोटो भी यहाँ पे डाल दूँगा तो आप लोग देखिए इस आदमी को। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने समीर का नंबर ग्रुप में से लिया और उसको कॉल किया कि सर आपको तो सब मंगेश ने बता दिया होगा कि क्लासेस मेरे को ओपन स्टाके करने हैं। तो उसने बताया कि हाँ सही है, हम आपका क्लास जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि सर अभी ओपन स्टैक में काम करते हैं क्या? तो उसने बताया कि मैं ओपन स्टैक सर्टिफाइड इंजीनियर हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर सर हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? तो उसने बोला कि देखिए सर मैं अभी कंपनी का थोड़ा काम है, मैं थोड़ा सबमिशन में बिजी हूँ, अब 2-3 दिन बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा चलो सर ठीक है। अभी फिर 2-3 दिन बाद मैं इसको कॉल करता हूँ कि सर अभी क्लास करते हैं क्या? तो फिर भी बोलता है कि सर अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और 2-3 दिन आप वेट कीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम 2-3 दिन बाद क्लास कर लेंगे। फिर 2-3 दिन बाद मैं इसको कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि सर हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मैंने उस टाइम सुबह में कॉल किया था और इस बार ही उसने बोला कि ठीक है हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कब स्टार्ट करना है। फिर ये मेरे को पूछता है कि सर आपको पता है क्या आपको क्या पढ़ना है? मैंने कहा जी सर मेरे को पता है मेरे को क्या पढ़ना है। फिर मैंने इसको जो उनके जो वेबसाइट पर जो PDF था मैंने उनको सेंड किया कि बोला कि सर मेरे को यही पढ़ना है। तो इसने बोला कि चलो ठीक है। फिर मेरे को बताता है कि सर ये जो उनके वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है ये ऐसा कुछ नहीं होता, जो अपना मेन काम होता है वो इंटरव्यू निकालना होता है, ये सब कुछ नहीं है। तो आप एक काम करो, गूगल में से लेटेस्ट ओपन स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ो और आपको पता चलेगा आपको कौन से वे में जाना है और आपको क्या पढ़ना है ओपन स्टैक में। मैंने कहा चलो ठीक है आप स्टार्ट तो करो पहले, फिर हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। फिर उसी दिन शाम को वो मेरे को कॉल करता है और पूछता है कि सर अभी आपके पास और कोई फ्रेंड्स है क्या जो कि ओपन स्टैक पढ़ना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं सर अभी मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो उसने बोला कि पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहो दे सकते हो, पर 2-3 दिन हो गए तो साथ में पढ़ने में मज़ा आएगा तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर देखिए अभी मैंने तो 1-to-1 क्लासेस करने के लिए रजिस्टर किया था, अभी मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? तो उसने बोला कि देखिए सर हम एक आदमी के लिए मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, अगर 2-4 आदमी होंगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। फिर मैं यहाँ पे इसको पूछता हूँ कि सर आप मेरे जो क्लासेस कर रहे हैं इसके लिए आप कितना चार्ज कर रहे हैं गैंगपोर वालों को?
तो यहाँ पे ये मेरे को बताता है, ये चूतिया आदमी ये मेरे को बताता है कि नहीं सर, मैं ऐसा कुछ आपको चार्ज नहीं करता उनको, मैं उनका जो है दूसरे क्लासेस भी लेता हूँ, मैं उनसे मंथली के हिसाब से पेमेंट लेता हूँ, आपके स्पेसिफिक क्लास के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं चार्ज करता, मैं मंथली के हिसाब से उनसे पेमेंट लेता हूँ। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। अब ये क्यों दो तीन आदमी ढूंढ रहा था, इसका राज भी आपको बाद में पता चलेगा, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है सर, मैं ढूंढता हूँ, अगर कोई दोस्त मिल जाए तो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने ढूंढा और मेरे को कोई नहीं मिला है पढ़ने के लिए। तो मैंने उसको फ़ोन करके बताया कि सर अभी कोई तो राजी नहीं है, तो हम लोग ही स्टार्ट करेंगे। तो उसने बताया कि चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कल से। तो अगले दिन सुबह मेरे को रैंडमली कॉल करता है, कितने बजा रिमेम्बर, मैंने 8 बजे से रजिस्ट्रेशन किया था, 8 बजे को रात को पढ़ने के लिए, लेकिन ये मेरे को सुबह 10 साढ़े 10 बजे कॉल करता है, अब बोलता है कि अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं फ्री था। तो उस दिन एक क्लास किया, सब बेसिक बेसिक सा पढ़ाया, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये क्या होता है, सब बेसिक बेसिक से पढ़ाया और बताया कि हम अगले क्लास जो है शाम को ले सकते हैं या फिर कल ले सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कब क्लास लेना है। फिर एक दो दिन बाद दोपहर में 2 बजे हुई मेरे को कॉल करता है और बोलता है कि आप रेडी हो क्या क्लास करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तभी भी फ्री था। तो कुछ क्लास किया, स्टोरेज वगैरह का कुछ पढ़ाया, कुछ खास हुआ नहीं। इस क्लास को मैं 10 में से रेटिंग दूंगा 1। तो पढ़ाया कुछ हुआ नहीं, और अगले क्लास के लिए बोला कि मैं अगले क्लास में समझा दूंगा, आज तो नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सेकंड क्लास गया। और ये सेकंड क्लास ख़त्म होने के बाद ये मेरे को पूछता है कब तक ओपन स्टैक ख़त्म करना है, अभी तक इसने कुछ पढ़ाया भी नहीं है और बोल रहा है कि कब तक ख़त्म करना है। मैंने कहा क्या सर ख़त्म करना है, मतलब अभी आराम से पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, गैंग बोर्ड के वेबसाइट पे जो मेंशन था, अगर आप डेली 1 डेज में 5 डेज क्लास करते हो 1 1 घंटे का, तो आपको 35 क्लासेस लगेंगे। पर ये दूसरी क्लास में मेरे को बोला है कब तक ख़त्म करना है। फिर उसने कुछ कैलकुलेशन किया कि ऐसा नेटवर्किंग हो गया, ये हो गया, स्टोरेज हो गया, ऐसा ऐसा करके वो बोला कि मैं तो आपका क्लासेस जो है 2 हफ्ते में निपटा दूंगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो बोलता है कि मैं 35 डेज क्लास को 2 हफ्ते में निपटा दूंगा, तो वो किस तरह का क्लासेस करेंगे वो। तो उस दिन शाम को 8 बजे मैंने उसको कॉल किया और बताया कि सर ऐसे आप कैसे रैंडमली कॉल कर लेते हो कि अभी क्लास करना है, तो आप मेरे को एक फिक्स टाइमिंग फिक्स स्लॉट दे दो कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग पढ़ेंगे। तो रिपीट में ये बोलता है कि नहीं सर, मैं आपको ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे दूसरे बैचेस भी चल रहे हैं, मैं उनको टाइम नहीं निकाल सकता। मेरे को बोलता है कि सर मैं आपको एक आदमी के लिए इतना टाइमिंग नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा दूसरे बैचेस भी हैं और मेरा ऑफिस भी रहता है, तो मैं आपको ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं दे सकता, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल कर लूँगा और हम लोग क्लास एक सेशन कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कर देना चाहूँगा और मेरा जो रिसिप्ट है वो भी दिखा देना चाहूँगा। मैंने जो क्लासेस की टाइमिंग बुक किए थे वो रात के 8 बजे बुक किए थे, 1 से 1.5 घंटा के लिए, लेकिन ये यहाँ पे बोल रहा है कि जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल कर लूँगा और वहाँ पे हम एक सेशन कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ हम लोग आपस में बात करके थर्ड क्लास भी किए। थर्ड क्लास में इतना घटिया पढ़ाया कि मैं इसको रेटिंग दूंगा हाफ, 10 में से हाफ। तो इसके बाद हम लोगों ने फिर फोर्थ क्लास किए, जो कि थर्ड और फोर्थ क्लास हम लोग का नेटवर्किंग का था। लकीली मुझे नेटवर्किंग का कुछ कुछ पता था, तो इसने मेरे को कुछ उल्टा सीधा पढ़ाया, कुछ गलत भी पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद बोला कि सर आपका नेटवर्किंग का क्लास ख़त्म हो गया। और मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल के नाम पे ये मेरे को कभी यूट्यूब का कोई लिंक सेंड कर देता, कभी कोई वेबसाइट का कोई लिंक सेंड कर देता कि बोलता कि इसमें से पढ़ो। अब और यूट्यूब से मेरे को पढ़ना था, कोई वेबसाइट से मेरे को पढ़ना था, मैंने 23,000 का पेमेंट क्यों किया है आप लोग ये बताइए। और मेरे को बोलता है कि सर आपने यूडीमी का नाम सुना है, मैंने कहा जी हाँ सुना है। तो उसने मेरे को बोलता है कि आप एक काम करो सर, यूडीमी से एक कोर्स खरीद लो, उसमें से आप अपने नोट्स बना लो। तो मैंने उसको बोला कि सर क्यों मेरे को यूडीमी से क्यों पढ़ना है, मैंने तो यहाँ पे मैंने पेमेंट किया है, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, यूडीमी का कोर्स अभी मेरे को क्यों खरीदना है। इस तरह से फोर्थ क्लास के बाद जब उसने वो मेरे को लिंक सेंड किया
और मैंने उस लिंक से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया अच्छे से। तो यंग बोर्ड वालों ने बोला था कि आप 24/7 अपने कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हो, जो कि आपको LMS का एक्सेस मिलेगा, आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग मैंने मंगेश को पूछा कि मंगेश मेरे को बता दो, 24/7 तुम जो बोल रहे थे कॉल कर सकते हो, किसको कॉल करना है, नंबर दे दो मेरे को। तो मंगेश बताता है कि सर वो तो आप ट्रेनर से ही पूछेंगे जो कि आपको पढ़ा रहा है, हमारा ऐसा कोई कोई भी हमारा कोई स्टाफ नहीं है जो आपको बताएगा, आप ट्रेनर से ही पूछिए, वही आपको बताएगा। तब इसको पूछने जाओ, ये बोलता कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम बाद में पूछना, बाद में पूछना। मैसेज ऐसे तो फ़ोन तो नहीं कर सकते आप, आपको मैसेज करना पड़ेगा और कोई टाइमिंग लेना पड़ेगा उससे। तो दिन भर में वो कभी भी 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देगा, उससे आप पूछो उस टाइम पे। और उस टाइम पे जब पूछने जाओ तो इधर उधर की बातें करके वो निकाल देता और बोलता कि नहीं आपका हो गया। तो इसके रिगार्डिंग मैंने मंगेश से बात की और मंगेश को पूछा कि मंगेश आपका ये जो ट्रेनर है ये मेरे को यूट्यूब का कोई लिंक सेंड करता है, कोई वेबसाइट का लिंक सेंड करता है, तो मुझे उससे पढ़ना है क्या, तुम मेरे को LMS का एक्सेस दे दो। तो उसने बोला कि क्या LMS है, वो आपको देता है ना स्टडी मटेरियल। मैंने कहा कि नहीं ऐसा वो कोई मेरे को स्टडी मटेरियल नहीं देता, वो मेरे को यूट्यूब का लिंक सेंड करता है और बोलता है इसमें से पढ़ो। तो उसने मेरे को बताया नहीं सर वो कोई यूट्यूब का लिंक नहीं है, वो जो वीडियो सेंड करता है वो उसने वो खुद रिकॉर्डिंग किया हुआ है और वही आपको सेंड कर रहा है। मैं आपको बता दूँ OpenStack.org के नाम से यूट्यूब में एक चैनल है जिसमें OpenStack की वीडियोस अपलोड होती है, जो कि उनकी कम्युनिटी का चैनल है। अभी उसके कम्युनिटी में ये क्यों जाके अपलोड करेगा वीडियो। तो ये बात मैंने उस ट्रेनर को बताई कि तुम मंगेश बोल रहा है तुमने वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाला है, वही मेरे को सेंड कर रहे हो। तो ट्रेनर बोलता है कि नहीं ऐसा मैंने नहीं बोला, उसने तो ऐसा ही बोल दिया होगा। मैंने कहा क्या ऐसा ही बोल दिया होगा मतलब। ये सब आर्गुमेंट के बाद जब उसने बोला कि तुम्हारा नेटवर्किंग का क्लास ख़त्म हो गया है, तो आप लोगों को बता दूं कि मुझे थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का आता है। तो मैंने उसको पूछा कि सर हमने फ्लोटिंग IP के बारे में तो नहीं पढ़ा। तो वहाँ पे ये बोलता है कि मैं आपको मैसेज में दिखा दूंगा, व्हाट्सएप का मैं चैट हुई थी, बोलता है कि मैंने तुमको बेसिक बेसिक पढ़ा दिया है, अभी तुम अपना खुद का सोचो। यहाँ पे एक पिक्चर पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उससे पूछा है कि सर आपने जो भी पढ़ा है क्या मैं इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो उसने बताया कि ठीक है हम डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया कि सर आपने तो एक VM से दूसरे VM का बता दिया, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का नहीं बताया। तो उसने बताया है कि मैंने तुमको अपना बेसिक बेसिक पढ़ा दिया है, रेस्ट तुम आप खुद का सोचो। और मैंने पूछा कि फ्लोटिंग IP के बारे में तो नहीं पढ़ाया। तो उसने बताया कि मैंने तुमको लिंक सेंड किया है और तुम उससे पढ़ो, अगर कुछ डाउट होता है तो मेरे को पूछो। मैंने कहा सर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैंने तो आपके पढ़ाने के लिए पूरा पैसा दिया, खुद सोचने के लिए नहीं पैसा दिया है। तो यहाँ उन्होंने जो मेरे साथ डील की है वो 7,000 रुपये का डील किया है और बोला कि 7,000 रुपीज़ ले लो और इसको ईच एंड एवरी टॉपिक का बेसिक बेसिक पढ़ा दो, एक टॉपिक कवर करो उसका थोड़ा सा बेसिक बता दो और दूसरे टॉपिक पे निकल जाओ। तो इस तरह से मैं तुमको 7,000 रुपीज़ में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। ना सुनने के बाद मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि साले मैं तुमको पहले से पूछ रहा हूँ कि वो लोग कितना तुमको पेमेंट कर रहे हैं, तुम तो बोल रहा था कि मेरे को वो लोग मंथली पेमेंट करते हैं, ऐसे तुम्हारे लिए मैं स्पेशल कुछ नहीं लेता, अभी ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो इतना सुनने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा गाली वाली दे दी और रिप्लाई में वो बोलता है कि देखो 7,000 रुपये में जितना पढ़ाना था मैंने तुमको डिलीवर कर दिया है, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही डिलीवर किया है तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली, और इससे ज़्यादा तुम मेरे से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो मेन काम है वो तुमको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, पढ़ाना नहीं है। अब बहनचोद पहले तुम्हारे यहाँ पढ़ाई करते हैं या पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, साला झंडू साला। फिर मैंने उससे कहा नहीं सर इस तरह का पढ़ाई तो मेरे को नहीं करना है, क्योंकि तुम जितना पढ़ा रहे हो उससे तो ज़्यादा मेरे को पता है, इसमें मैं क्या पढ़ूँ इससे। तो फिर ये वाला स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि साफ साफ बता रहा है कि देखो 7,000 रुपये में पूरा तो डिलीवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर तुम पूरा पढ़ना चाहते हो तो मेरे को और पैसे चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट के हाथ में है। तो मैंने कहा कि इंस्टीट्यूट के हाथ में तो तुम इंस्टीट्यूट से बात करो और बताओ कि क्लाइंट जो है पूरा पढ़ना चाहता है। तो
तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा वो मेरे साथ डील कर चुके हैं, अभी मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता। अगर तुमको पढ़ना है तो मैं तुमको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, और पूरा नहीं पढ़ा सकता हूँ। आप साफ साफ देख सकते हैं, ये वाला हमारा जो कन्वर्सेशन थे चैट में व्हाट्सएप में, आप अच्छे से देखिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए उसने क्या क्या मेरे को बोला है। आप लोग बताइए, मैं 23,000 रुपये का पेमेंट किया जो कि ऑफर में था, नहीं तो का अगर मैं 43,000 का पेमेंट करता फिर भी वो यही पढ़ा था कि 7,000 रुपये का मेरे को पेमेंट किए हैं और मैं तुमको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ, अगर और पढ़ना है तो मेरे को और पैसे चाहिए। अब कितना पैसा दो एक कोर्स के लिए? ऐसे तो मेरे को 2 लाख रुपए लग जाएंगे ना पूरा कोर्स करने के लिए। तुम इंटरव्यू के लिए 43,000, पढ़ाने के लिए 43,000, मतलब क्या चल रहा है? पैसे लो पूरा पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाओ सिर्फ बेसिक बेसिक, और बोलो कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मतलब क्या क्या लॉजिक हुआ? आप ही समझो इस बात को। चलो हम 23,000 रुपये की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 23,000 रुपये, वो ले रहा है 7,000 रुपये, तो डिफरेंस कितना हुआ? हमें गैंगबोर्ड वाले को कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप लोग साफ साफ कैलकुलेट कर सकते हैं कि पढ़ेगा कोई, ये लोग बीच में ब्रोकर करके, खाली एक वेबसाइट खोल के ब्रोकर करके ये लोग कितना कमा रहे हैं, मतलब इनका ब्रोकरेज खाली 16,000 रुपये निकल रहा है प्रॉफिट एक 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 आदमी से। समझो कि दिन में 10 आदमी रजिस्टर किए तो उनका कितना प्रॉफिट निकलता होगा। पढ़ना तो मेरे को था ही, कोर्स तो मेरे को किसी भी हालात में करना था। अगर वो 23,000 में नहीं मानते तो मैं 43,000 भी दे देता, क्योंकि मेरे को पढ़ाई करना था, मेरे को कोर्स करना था किसी भी हालात में। अगर सोचिए मेरे को 43,000 का पेमेंट करता तो ये लोग 7,000 रुपये ट्रेनर का देते, तो इनका निकल रहा है 36,000 रुपये। तो देखिए कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कितना लोगों को चीट कर रहे हैं ये लोग। 36,000 ले लो, आप तो पढ़ाई तो पूरा करवाओ ना। फिर इसके बाद ट्रेनर और मंगेश के बीच में कुछ बात हुई, और ट्रेनर मेरे को बोलता है कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो, मेरे को एक एक नोट बनाओ और मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करो कि मेरे को ये पढ़ना है, फिर मैं तुमको देखता हूँ। कि इसको कुछ मालूम ही नहीं है क्या ये बोल पाएगा। तो मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च किया और मेरे को एडुरेका की वेबसाइट दिखी। मैंने वहाँ पे जो कोर्स कंटेंट था उससे 80% कॉपी किया, उससे 80% कॉपी कर कॉपी पेस्ट किया, जो कि वो 15,000 रुपये में पढ़ा रहे थे ये लोग, वो लोग 23,000 रुपये में नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने उसको कॉपी करके सेंड किया ट्रेनर के पास, मैंने बोला कि सर मेरे को यही पढ़ना है। तो बोलता है देखो इतना सारा तो मैं नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए मेरे को और पैसे चाहिए, मैं इंस्टीट्यूट से बात करता हूँ फिर तुमको रिप्लाई करता हूँ। फिर पता नहीं उसने क्या बात की और मेरे को रिप्लाई किया कि नहीं सर मैं आपको इतना सारा नहीं पढ़ा सकते, वो लोग नहीं मान रहे। मैं आपको बता दूं कि मैंने तो सिर्फ 80% का कोर्स ही डाला था जो कि एडुरेका के कंटेंट में था। अभी तो 100% कोर्स बोल देखते तो उसका क्या होता पता नहीं कर रहे थे। तो आप लोग अभी पूछोगे कि 15,000 में जो वो अगर पढ़ा रहे थे तुमने वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्यों पढ़ा? मैं आपको बता दूँ वो लोग जो पढ़ा रहे हैं वो ग्रुप में पढ़ा रहे, और मेरे को करनी थी 1-to-1 क्लास, इसीलिए मैंने गैंगबोर्ड को चुना। मैंने सोचा 5-7,000 रुपये ज़्यादा दे दूंगा पर 1-to-1 क्लासेस करूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि 1-to-1 के चक्कर में ये मेरे को पूरा फ्रॉड करेंगे। इसके बाद वो ट्रेनर मेरे को कन्विंस करने लगा कि देखो तुम्हारे लिए तो मैं ही बेस्ट हूँ, अगर तुम मेरे को कैंसिल करते हो तो वो लोग तुमको और एक ट्रेनर देंगे जो कि तुमको 7,000 रुपये में सिर्फ यही पढ़ाएगा, और उससे तो ज़्यादा मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो तुम राज़ी हो जाओ और मैं कोर्स तुम्हारा कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने कहा सर नहीं, मैंने इतना सारा पेमेंट करना और इतना पेमेंट में ये बेसिक बेसिक नहीं पढ़ सकता, थैंक यू। तो बोल रहा है कि देखो मैंने जो तुमको पढ़ाया मेरे को भी मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। तो मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको बात करनी चाहिए थी पहले कि तुम ये जो बोल रहे हो कि 7,000 रुपये ले लो, क्लाइंट को बेसिक बेसिक सा पढ़ा दो, क्या क्लाइंट ने बेसिक पढ़ने के लिए रजिस्टर किया है तुम्हारे वेबसाइट पे? ऐसा तो कोई नहीं करेगा, तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? इसका मतलब तुम भी उनके साथ मिले रहे हो, तुम भी चीट करना चाहते हो। तो अभी तुम्हारे पैसे मिले नहीं मिले मेरे को क्या जाता है? तो इतना के बोलने के बाद वो उसने कॉल कट किया और दोबारा से उसके साथ मेरी कभी बात नहीं हुई। फिर मैंने मंगेश को कॉल किया और बताया कि तुम्हारा ट्रेनर ने ऐसा बोला। तो मंगेश बोलता है कि सर ठीक है, हम आपके लिए और एक ट्रेनर अरेंज करेंगे और ये आपको अच्छे से पढ़ाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने बोला कि सर 2 दिन वेट कर लीजिए,
हम एक और ट्रेनर अरेंज कर देते हैं। तो फिर 2 दिन बाद से मैंने मंगेश को कॉल किया और मंगेश ने तभी से फ़ोन उठाना बंद कर दिया, पूरा इग्नोर कर दिया, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया और फ़ोन उठाना बंद ही कर दिया। तो उसके बाद मेरी जो कोर्स कोऑर्डिनेटर थी जानसी, तो मैंने उसको कॉल करने की कोशिश की और उसने फ़ोन नहीं उठाया। इस बार एक और एक एजिल नाम की लड़की ने फ़ोन उठाया और बताया, मैंने पूछा कि जानसी से बात हो रही है क्या, वो बोल रही है कि नहीं जानसी तो अभी कंपनी में काम नहीं करती, अब मेरे से बात कीजिए। तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताया कि ये हुआ है, तो उसने बताया कि ये तो आपकी जानसी से बात हुई थी, अब इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप मंगेश को कॉल कीजिए। तो मंगेश तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, तो मैं और किसको कॉल करता। इस तरह से मेरी जो ट्रेनिंग है यहीं पे ख़त्म हुई। यंग बोर्ड वालों ने फ़ोन नहीं उठाया, मंगेश ने कॉल नहीं उठाया और जानसी तो वो ये बोल रहे थे कि कंपनी छोड़ चुकी थी। बाद में मैंने पता किया जानसी अभी भी काम कर रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही थी मेरा। तो इस तरह से मेरे जो 23,000 रुपये पेमेंट किए थे पूरा गए। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार लॉगिन करके देखते हैं मैंने जो अकाउंट था वो वैलिड है कि नहीं, अभी चल रहा कि नहीं। तो मैंने उनके जो मेरे जो ईमेल आईडी और पासवर्ड थे उनके वेबसाइट पे लॉगिन करके देखे। बाद में देखा तो इन्होंने मेरे को पूरा डाटा वैसे ही निकाल दिया था, मैं अभी उनके वेबसाइट पर लॉगिन भी नहीं कर सकता। जो मैंने 23,000 रुपये पेमेंट किया था जहाँ पर मेरे को साल भर के लिए लॉगिन करना था, लेकिन 3 महीने के बाद अब मैं लॉगिन भी नहीं कर सकता उनके वेबसाइट पर। इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुई है। तो बाद में मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़ने की कोशिश की इंटरनेट पे दूसरे वेबसाइट पे, तो काफ़ी कुछ रिव्यूज़ मेरे को दिखे कि मंगेश ने सबके साथ चीट किया है, पैसे ले लेंगे और उनको कोई नया सा ट्रेनर दे देंगे जिसको कुछ पता ही नहीं होगा, वो कुछ इधर उधर पढ़ाएगा और फिर कोर्स ख़त्म, क्योंकि आपने पेमेंट किया हुआ है तो कोर्स तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते सभी लोग। तो मजबूरी में 15-20 दिन का कोर्स करो, जो भी ट्रेनर पढ़ा है उसको कुछ आता हो नहीं आता हो तो आपको पैसा ऐसे ही जाएगा। मैंने कुछ और रिव्यूज़ भी पढ़े जिसमें लोगों ने बताया कि लोग पैसे ले लेंगे और बाद में ट्रेनर नहीं देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, ऐसा भी मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं। और कुछ रिव्यूज़ ऐसे भी पढ़े हैं, ये लोग फेक रिव्यूज़ डालते हैं दूसरे वेबसाइट पर जाके कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से मैंने SQL का कोर्स किया, इसका कोर्स किया, बहुत अच्छा कोर्स था, 5-स्टार रेटिंग दे देंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये लोग फेक रिव्यूज़ भी डाले हुए हैं। मैं भी आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये रिव्यू देख के ही 5-स्टार रिव्यूज़ देख के ही मैंने इनके वेबसाइट पे आ गया था। मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हुए थे कि यंग बोर्ड में ऐसे पढ़ाते हैं, सभी लोगों ने 5-स्टार रेटिंग दिया हुआ है, तो इसको देख के मैंने रजिस्टर कर लिया था इंस्टीट्यूट ऑफ एडोरे का। तो आप लोग बचे इन रिव्यूज से, इन फेक रिव्यूज से, ऐसा भी कमेंट्स आपको मिल जाएंगे। पूरा फ्रॉड कंपनी है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और गैंग वो। और अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा भी हुआ है तो आप लोग इस वीडियो के साथ कमेंट करें, हम सब लोग मिलके इनके खिलाफ़ कोई ना कोई एक्शन ले जरूर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई गैंग बोर्ड पर रजिस्टर करना चाहता है तो पहले उसको ये वीडियो शेयर करके उनको दिखा दीजिए, फिर बाद में बोलिए कि आप रजिस्टर करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।